एक ऐसा नेता जिसकी फैन बीजेपी के साथ साथ विपक्षी पार्टियां भी हैं। He is the one minister here who speaks his heart and tells the truth. जो लोगों के बीच सिर्फ और सिर्फ काम की वजह से मशहूर है। हम तो चाहेंगे कि और भी मंत्री इनके जैसे होने चाहिए, जिस प्रकार से इनका प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव नेचर है काम के प्रति। जिसने ये प्रूफ कर दिया कि बिना हिंदू मुस्लिम की राजनीति के भी लोकप्रिय हुआ जा सकता है। मैंने काम किया है, उसके ऊपर मुझे वोट मिलेंगे और हिंदू मुसलमान सब देंगे, सब मेरे साथ है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने काम में कभी भेदभाव नहीं। एक ऐसा नेता जो बीजेपी में होने के बाद भी विपक्षियों के अच्छे कामों की तारीफ करने से नहीं डरता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जमकर तारीफ की है। कहा, मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधारों के जरिए देश को नई दिशा देने का काम किया है। हम बात कर रहे हैं फ्लाईओवर के नाम से मशहूर नितिन गडकरी की। दोस्तों, पॉलिटिशियंस के ऊपर अक्सर ऐसे आरोप लगते रहते हैं कि वो अपने रिलेटिव्स को किसी न किसी तरह से फेवर करते रहते हैं। बात तब की है जब नितिन गडकरी पीडब्ल्यूडी यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मिनिस्टर हुआ करते थे। इस दौरान उन्होंने अपने अधिकारियों को एक सड़क बनाने का आदेश दिया और साथ ही उस रूट में पड़ने वाले सभी घरों को तोड़ने का भी आदेश दिया, क्योंकि इन घरों को तोड़े बिना सड़क का निर्माण पॉसिबल नहीं था। लेकिन अधिकारियों के हाथ पैर तब फूल गए जब उन्हें पता चला कि इस दायरे में नितिन गडकरी के ससुर का घर भी पड़ता है। उन्होंने तुरंत नितिन गडकरी को इसकी जानकारी दी, लेकिन गडकरी ने अपना फैसला ना बदलते हुए कहा कि रूट में चाहे किसी नेता का घर आए या किसी नेता के रिश्तेदार का, घर गिराने का आदेश सभी पर एक समान रूप से लागू होगा। ये तो सिर्फ एक घटना है जो नितिन गडकरी की ईमानदारी और अपने कार्य के प्रति निष्ठा को दर्शाती है। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर में तमाम ऐसे कार्य किए हैं जो आज हर नेता के लिए एक मिसाल है। इनके कार्यों का ही नतीजा है कि ये जनता के बीच एक ईमानदार छवि वाले नेता के तौर पर लोकप्रिय हैं। इनका जन्म 27 मई 1957 को महाराष्ट्र में हुआ था। इन्हें कॉलेज के टाइम से ही राजनीति में काफी रुचि थी, इसलिए मात्र 24 साल की उम्र में इन्होंने भारतीय जनता युवा मोर्चा और ABVP जैसी पार्टियों को ज्वाइन कर लिया और इसी साल इन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी चुन लिया गया। लेकिन इनके राजनीतिक जीवन में असली उछाल सन 1989 में आया, जब इन्हें महाराष्ट्र विधान परिषद का सदस्य चुन लिया गया। बस इस दिन के बाद नितिन गडकरी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सन 1995 में जब महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन से सरकार बनी, तो इसमें नितिन गडकरी को पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बना दिया गया। इस पद पर रहते हुए नितिन गडकरी ने मुंबई का पूरा कायाकल्प ही पलट दिया। इन्होंने अपने 4 साल के कार्यकाल में इतने ज्यादा फ्लाईओवर्स बनवाए कि इन्हें फ्लाईओवर मैन के नाम से जाना जाने लगा। अपने काम और ईमानदारी के कारण ये न सिर्फ अपनी राजनीतिक पार्टी बल्कि लोगों के बीच भी लगातार काफी ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहे थे, और यही कारण रहा कि ये कई सालों तक महाराष्ट्र में बीजेपी की तरफ से CM का फेस हुआ करते थे। महाराष्ट्र में इनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर राजनाथ सिंह को महाराष्ट्र के बीजेपी प्रेसिडेंट के पद से पीछे हटना पड़ा था और इन्हें महाराष्ट्र का बीजेपी प्रेसिडेंट बनाया गया। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई। इनके पॉलिटिकल करियर का असली टर्नओवर तो 2009 में आया, जब इन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। नितिन गडकरी जैसे ईमानदार छवि के नेता के लिए यह एक बहुत बड़ा दिन था, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम दिन था बीजेपी के लिए। 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की तैयारियां अभी कुछ खास नहीं थी। नितिन गडकरी ने अगले कुछ सालों में पार्टी में कई बदलाव किए और नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी अध्यक्षता में भारत को बीजेपी की तरफ से एक प्रधानमंत्री दे पाते, उससे पहले ही कुछ बीजेपी शासित प्रदेशों से आने वाले दबाव के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। यानी इनको 2013 में अपनी ही पार्टी के विरोधियों का सामना करना पड़ा। योजना तो इनको पार्टी से हटाने की थी, मगर बीजेपी को ये बहुत जल्द समझ आ गया था कि एक ऐसे नेता को हटाने के बाद उनका खुद का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। 2013 तक गडकरी ने बीजेपी के लिए इतना कार्य कर दिया था कि पार्टी 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सके, और नतीजे भी कुछ अनुमान के मुताबिक ही आए। 2014 में केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी, तो इसमें नितिन गडकरी को मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ बोट, शिपिंग एंड वाटरवेज दिया गया, जिसमें नितिन गडकरी ने एक बार फिर से अपने आप को साबित कर दिया। और शायद यही वजह थी कि 2019 में जब दोबारा बीजेपी सत्ता में आई, तो कई नेताओं के कार्यभारों की अदला बदली की गई, लेकिन नितिन गडकरी को फिर से वही काम दिया गया। दोस्तों, कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि गडकरी प्रधानमंत्री पद के लिए बीजेपी का अगला चेहरा बन सकते हैं, लेकिन बीजेपी के ही कुछ नेता गडकरी को ऐसी कोई पावर नहीं देना चाहते जिससे पार्टी की कट्टर हिंदुत्व वाली छवि कमजोर हो, क्योंकि गडकरी सबको एक साथ लेकर चलते हैं। आपकी इसको लेकर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।